हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गेमिंग माउस और नॉर्मल माउस में क्या डिफरेंस होता है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज दोनों की ही अनबॉक्सिंग करेंगे, तो ये सारी चीजें हम बताएंगे हमारे दोस्त जिनका एक YouTube चैनल है डार्क साइट नाम से, और ये उस चैनल पे गेमिंग करते हैं। ये सबसे ज्यादा गेम पबजी खेलते हैं और CS:GO खेलते हैं, और ये काफी अच्छे गेमर हैं और इन्होंने काफी गेमिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और वहां पे इनको प्राइज भी मिला है। तो आप इनकी वीडियो देख सकते हैं इनके चैनल पे जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इनका चैनल चेक कर सकते हैं और आपको काफी सारी वीडियो मिल जाएगी गेमिंग के ऊपर, और काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये। तो आज हम बताने वाले हैं कि इन दोनों माउस में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है और आपको कौन सा माउस लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा माउस अच्छा होगा और कौन सा माउस बजट में होगा। अगर आप एक गेमर हैं तो आपको कौन सा माउस लेना चाहिए, अगर आप एक नॉर्मल वर्क करते हैं तो आपको कौन सा माउस लेना चाहिए, ये सारी चीजें बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक एंड मैं आपका दोस्त, मेरा नाम है डेथ, मेरा चैनल खुद का है डार्क साइट्स, और दो मैं इनके अनबॉक्सिंग वीडियोस आज अपने थ्रू कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे, पहले के हम डिफरेंस देखेंगे गेमिंग माउस और नॉर्मल माउस जो होते हैं हमारे पास, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और वो कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए कौन सा लेना चाहिए, गेमिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए, या गेमिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए कौन सा लेना चाहिए। ये डिफरेंसेस है, रेट का डिफरेंस मैं बताऊंगा, परफॉर्मेंस वाइज क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, मजबूत कौन सा होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, नॉर्मल माउस से शुरू करते हैं, 1300 इतने के अंदर आ जाता है मैक्सिमम। आपको 300-400 वाले माउस जो QHMPL के होते हैं, पहले बता दूं उनके अंदर कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, कम से कम कंपनी का माउस लेना HP लॉजिटेक वगैरह का। ऑफिस माउस आते हैं 500-600 तक आ जाता है आराम से मिनिमम। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ 3 बटन्स हैं, कोई LED लाइटनिंग्स नहीं है, कोई LED लाइटनिंग्स नहीं है, एंड ऑप्टिकल सेंसर इसके अंदर 1000 DPI, मतलब इसके अंदर आपके पास तीन चीजें हैं, ऑप्टिकल सेंसर, 3 बटन्स एंड DPI 1000 आपको मिलेगी। DPI क्या होता है, डेंसिटी पर इंचेस, कि कितने इंच के अंदर हमारे पिक्सल्स क्या होते हैं, आपको पिक्सल्स के बारे में बता दो पहले, कि पिक्सल्स होता है स्क्रीन पे, मॉनिटर पे आप देखोगे तो एक मॉनिटर जो होता है वो डॉट से बनता है, अगर आप बहुत बारीकी से देखोगे तो वो जो छोटा सा डॉट होता है ना उसको एक पिक्सल बोलते हैं। तो ये 1000 पिक्सल पर इंचेस ज्यादा से ज्यादा रिकग्नाइज कर सकता है, मतलब आपका माउस अगर चल रहा है तो वो PC में 1000 पिक्सल से एक इंच में ही देखेगा, उससे ज्यादा नहीं देखेगा, ठीक है। और काफी चीजें और भी होती है, रिफ्रेश रेट होता है वो खैर इसमें होता नहीं क्योंकि ये ऑफिशियल माउस नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, इसके अंदर हमें किताब मिली पढ़ने के लिए, खैर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खैर मेरे को तो नहीं, आपका मतलब पढ़ लेना। मेन चीज पे आते हैं, हमें मिला ही माउस और बिल, हाँ बिल बहुत जरूरी होता है सर। चलिए माउस कनेक्ट करके देखते हैं, हम इसके अंदर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इसके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं दूसरे माउस से, और कौन सा माउस हमें लेना चाहिए, कितने बजट तक हमारा अच्छा गेमिंग माउस हो जाएगा, हम सब देखेंगे। ये हो गया हमारा माउस कनेक्ट, ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर्स की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्वालिटीज़ आपकी डिपेंड करवाती है कि माउस कितना महंगा होगा। तो देर इज़ अ रीज़न कि एक माउस 10,000 का आता है और एक माउस 500 का आता है। तो अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो ये काफ़ी लाइट है, फील लाइक अगर ये थोड़ा सा भी ऊँचे से गिर जाएगा तो क्रैक आ जाएगा, वो क्रैक काफ़ी आगे चल के टूट सकता है। और कुछ बढ़ा जाए इसके ऊपर तो कम्फर्टेबिलिटी के लिए माउस बना हुआ है, हाँ ये चीज़ तो ठीक है, कम्फर्टेबल है हाथ के अंदर, आप इजीली वर्क कर सकते हो उसके अंदर, और ऊपर से कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। और कुछ खास नहीं है इस माउस के अंदर जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऑफिस वर्क के लिए है, आप अगर ऑफिस नॉर्मल एक शॉपकीपर हैं या आपका बिल का काउंटर है तो आप उस पर ये रख सकते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए, कि ज़्यादा हैवी यूज़ ना हो, अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं इसको, मतलब पटकना वटकना नहीं है, बस नॉर्मल काम करे और कुछ ज़्यादा वो हार्श बिहेवियर नहीं, तो ये माउस ठीक है, अच्छा है, आपको इसके वारंटी मिलती है 1 साल की। अब डिफरेंस क्या आता है आपका, कि जो कीबोर्ड में डिफरेंस बताया था मैंने आपको कल पुरानी वीडियो में, कि जो मिली सेकेंड्स का डिफरेंस है वो सेम इसके अंदर भी सीनेरियो। इसकी जो कीज है
और इसका जो सेंसर है एज कंपेयर टू हाईली ऑप्टिमाइज ऑप्टिकल सेंसर स्लो और लो क्वालिटी का है। डिफरेंस ऐसा आता है कि मान लो मैं बताता हूँ, अगर आप एक गेमर हो जैसा कि मैं हूं, तो मेरा ये डिफरेंस आता है कि अगर मैंने सामने वाले बंदे को पहले शूट किया तो वो मरेगा। इसमें डिफरेंस क्यों आता है कि मैंने मान लो यहां से कर दिया क्लिक, उसे देख के माउस हिला के मैंने शूट कर दिया, बट मेरा माउस 4 मिलीसेकंड पे रिएक्शन देगा पीसी को कि मैंने उसे शूट किया है तू शूट कर, 4 मिलीसेकंड का टाइम लगेगा। बट उसी तरफ अगर ये माउस को यूज कर रहा है, उसने शूट किया, भले हम दोनों ने साथ में शूट किया है, ये 4 मिलीसेकंड में बताएगा और ये 1 मिलीसेकंड में बता देगा कि मैंने शूट किया है, तो जो ये माउस यूज करेगा उसको एडवांटेज है कि उसका शॉट पहले रजिस्टर हो जाएगा, आपका शॉट चलेगा तो पर लगेगा नहीं। तो ये गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज कह लो, डिसएडवांटेज कह लो, नॉर्मल माउसेस वालों के लिए या उनके लिए एडवांटेजेस तो आपको मना है वो बोलो, लेकिन मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना था। तो ये था आपका ऑप्टिकल माउस का डिफरेंस। इसका लुक इतना कूल भी नहीं है, मतलब अगर आप गेमर हो तो आपको पता ऑब्वियसली ऐसा कुछ कीबोर्ड है तो ऐसा ही कुछ माउस होना चाहिए। आपके पास मार्केट में रेड गियर के माउसेस आते हैं, लेकिन रेड गियर मैंने भी यूज किया है, वो ऑलरेडी मैंने डंप कर दिया बिकॉज उसकी लुक्स काफी अच्छे होते हैं, मैं मानता हूँ इससे अच्छा होगा, इससे भी अच्छा हो सकता है उसका लुक अगर आप थोड़ा फैशनेबल आरजीबी देखते हो तो ऐसा ही कुछ होता है उसका भी, बट ड्यूरेबल नहीं है वो माउस, उसकी सॉफ्ट कीज पहले खराब हो जाती है, आपको बताता हूँ उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये वाला माउस दिखाता हूँ, ये हमारा गेमिंग माउस है लॉजिटेक G102 प्रोडिगी, ये आपको 1300 का मिल जाएगा, जहां आपको ये 6700 का मिल रहा है, आप उसी में थोड़े से पैसे और लगाओ आपके पास गेमिंग माउस हो जाएगा प्रॉपर। इसके अंदर 16 मिलियन कलर्स हैं, आप सोच नहीं सकते इसके अंदर कितने शेड्स हैं आपके कलर के, और आपको 6000 DPI मिलती है यहां पर, इसको 1000 DPI मिलती है, मतलब डेंसिटी पर इंचेस हो गया आपका 6000 पिक्सल्स एक इंच में देख लेगा ये सिर्फ 1000 पिक्सल्स देखेगा। और अब इसमें आपको क्या मिलता है देखो, और इसकी पैकिंग इतनी खास नहीं होती है क्योंकि पैसे उन्होंने माउस पे लगाते तो पैकिंग पे तो ऑब्वियसली नहीं लगेंगे। चलिए इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसके साथ आपको एक ड्राइवर की सीडी आती है, वो डालना पड़ता है, अगर वो नहीं है तो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके डालना पड़ेगा। चलिए इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं, पुराना वाला माउस निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा माउस कनेक्ट। अब इस माउस के अंदर क्या डिफरेंस आता है कि इसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो 1000 हर्ट्ज है, मतलब मैं बताता हूँ अगर ये माउस है आपने इसे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा। रिफ्रेश का मेरा मतलब है कि एक शॉट रजिस्टर करके बैठा हुआ है, अगर आप इस माउस को क्लिक करके छोड़ दोगे तो ये उसी क्लिक पे बैठा हुआ है, रुका हुआ है कि भाई मेरे को एक शॉट बताया था और मेरे को हिलाया नहीं है, अब मेरे को इसके अलावा दूसरा कुछ करना नहीं, क्योंकि मेरे जो ओनर है या मालिक कह रहा है जो चला रहा हो उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उसने हिलाया नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता है। अगर आपने कोई शॉट देकर छोड़ भी दिया ना तो ये नए शॉट के लिए तैयार है या नए मूवमेंट के लिए तैयार है, चाहे क्लिकिंग का हो, चाहे फायरिंग का हो, चाहे मूविंग का हो, आपका ये माउस रिफ्रेश रेट इसका 1000 हर्ट्ज है, मतलब 1000 हर्ट्ज पर सेकेंड कह लीजिए, 1 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बहुत कम होता है, 1000 हर्ट्ज काफी अच्छा है गेमर्स के लिए, और इसमें तो सिंगल हर्ट्ज भी नहीं है शायद, अगर उसमें है भी किसी सिंगल हर्ट्ज तो वो किसी काम का नहीं हम लोगों के लिए, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम बहुत स्लो, वो सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए ओके ही है। लेकिन इसकी तो आप इसकी बात करते हैं, इसकी जो बॉडी मटेरियल है वो लुक्स में सिंपल है बट ड्यूरेबल है, अगर आप इसको गिरा भी देंगे या कहीं चीज ऊपर से छोड़ भी देंगे तो इसके ऊपर इतना डैमेज नहीं आएगा जितना कि इसके ऊपर आ जाएगा, आपका मैं गारंटी देता हूँ ये गिरते ही क्रैक आ जाएगा, क्योंकि चीप माउस है। एचपी के जो अच्छे माउस है वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, बट इतने रेंज में एचपी ऐसा माउस नहीं दे सकते जो इन्होंने दिया। इसकी वारंटी भी 1 साल की होती है, आप इसे इजीली कवर करा सकते हैं। इस सॉफ्ट कीज आपको 2 साइड में मिलती है, एक ये स्क्रॉल व्हील के पीछे की मिलती है, तो आपके पास टोटल कितनी की 1 2 3 4 5 6 कीज होती है, अगर स्क्रॉल व्हील का बटन काउंट करें तो आपके पास 6 कीज वाला एक माउस आता है 1300 में, 3 कीज वाला माउस होता है 700 में, तो आपको खुद डिसाइड करना, अगर आप गेमर हो तो आप 700 करोगे, 700 में 600 और मिला के आपको ये अफोर्ड कर सकते हो, ये करोगे आपको उसमें कूल लुक मिलता है आरजीबी का जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, तो गेमिंग के लिए प्रोमनेस भी है और काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी है, प्राइसिंग भी अच्छी है, कंपनी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं रेड गियर और बाकी कॉस्मिक बाइट माउसेस की, जो ऑल्दो बहुत अट्रैक्ट करती हैं बंदों को कि मतलब ये लुक्स में भी अच्छे होते हैं वो माउस, इनसे
एंड चीप भी बहुत होते हैं। अब उसमें क्या डिफरेंस है ना, पहले तो आपको सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम आएगी। 700 का माउस है, सर्विस सेंटर अगर आपको जाते जाते 400-500 रुपये लग जाए तो किसी यूज़ का, क्योंकि उसका सर्विस सेंटर से बैंगलोर वगैरह में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के आसपास बहुत ही रेयरली मिलेगा। मेरे हिसाब से तो है भी नहीं दिल्ली में, मैंने यूज़ किया था उसको। लेकिन आप खुद 700 के माउस आप उसको रिपेयर करवाने जाएंगे, आपके 100-200 लग जाएंगे जाने में, उसके बाद वो रिपेयर करके देंगे, 100-200 लेके आने में लगेंगे, और रिपेयर चीज़ ज़्यादा दिन चलती नहीं उनकी। तो आप खुद सोचिए, आपके 500 ट्रैवलिंग लेकर आने में लग जाएगा और 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके वो माउस नया ले सकते हैं आप। तो उसमें एक तो ये डिसएडवांटेज है, उसके अंदर आपको जो वो माउस का है फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा है आपको, मतलब आप अगर जैसे रैंडमली कोई शॉट लेते हैं तो मगर आपने स्लाइड गया तो वो उसका जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत स्लो है। आप इतनी तेज़ कर देंगे इसको तो वो यहाँ कहीं आके अटक जाएगा माउस, मतलब वो इससे आगे ले नहीं पाएगा क्योंकि बिकॉज उसकी रिफ्रेश रेट से बाहर जा रही है वो चीज़, वो स्टक हो जाएगा इस जगह पर। लेकिन इसके अंदर कंपनी गारंटी देती है आपको कि आप इसको 100 इंचेस पर सेकंड की स्पीड से भी चलाएंगे तो ये एक एक इंच के अंदर एक एक पिक्सल डिटेक्ट करेगा। ये आपका बेसिक बेसिक डिफरेंसेस आपका ऑप्टिकल माउस और हाईली क्वालिटी ऑप्टिकल माउस, लो क्वालिटी ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल कीबोर्ड हो गया आपका। तो ये गेमर्स के लिए बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, प्राइसिंग भी अच्छी है। गाइस मैं बोलता हूँ आपको इस चीज़ों के लिए जाना चाहिए, अगर आप एक लो बजट गेमिंग करना चाहते हैं, आप एंट्री लेवल गेमिंग करना चाहते हैं, आपके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं या बाकी बंदों की तरह जिनके पास 10,000 के कीबोर्ड 10,000 के माउस होते हैं, तो मैं हाईली सजेस्ट करूँ क्योंकि मैं खुद एक उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद वो चीज़ें यूज़ करता हूँ जो मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं फैमिलीज को इतना वो नहीं पुश प्रेशराइज करता इन चीज़ों के लिए, मैं खुद वो चीज़ें सेविंग्स करके कर लेता हूँ। लाइक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं ये, मुझे इनके रिव्यूज़ दे देना आप इनको कमेंट बॉक्स में। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप पबजी और CS:GO खेलते हैं, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। मैं फनी वीडियोज भी डालता हूँ, सीरियस वीडियोज भी डालता हूँ, CS:GO काफ़ी अच्छा खेलता हूँ, पबजी ओकेश खेलता हूँ, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।